अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद साहिल बाबा और आज हम जाएंगे कुबा मस्जिद। पैदल का रास्ता आपको दिखाएंगे जहाँ सुबह की नमाज मस्जिद नबी में अदा करने के बाद कुबा में जाकर दो नफल अदा करने से, इशराक पढ़ने से एक मुकम्मल उम्र का सवाब मिलता है। इंशाल्लाह आपको वो पैदल का रास्ता भी बताएंगे और चलो चलते हैं फिर। ये है मस्जिद नबी और ये सामने जो है ये नज़र आ रही है मस्जिद हमामा। मस्जिद नबी की निकल कर आपने मस्जिद हमामा की तरफ जाना है और ये जाना पैदल है। पैदल हदीस के मुताबिक पैदल का ही सवाब है। मस्जिद कुबा की तरफ जब आप जाएंगे तो इसको जो निकलने का गेट है वो है 309 नंबर। तो 309 नंबर से निकल कर आप चलेंगे मस्जिद कुबा की तरफ पैदल। आपको बताएंगे ये यहाँ से निकलने के बाद कितनी देर का पैदल का सफ़र है इंशाल्लाह ताला। ये 309 नंबर गेट और ये हमामा मस्जिद और ये है सीधा जाने का रास्ता। तो इंशाल्लाह कुबा को जाएगा। ये देखिए ये मस्जिद नबी है और ये मस्जिद हमामा और ये रास्ता सीधा जो जाता है मस्जिद कुबा को। गाड़ियाँ भी लगी हुई होती हैं लेकिन अहादीस में पैदल चलने का हुक्म है। हम पैदल का डिस्टेंस बताएंगे, रास्ता बताएंगे कितने देर का है, कितने सफ़र का है। तो इंशाल्लाह वहाँ दो नवाफिल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एक उम्रे का सवाब वो हमें मदीना में भी मिलेगा। रास्ते में एक गुबरी आ रही है तो उसको क्रॉस करना है। तो ये देखिए ये नई दुकानें बन रही हैं लेकिन अभी इनमें कोई दुकान बनी नहीं है। बरा यहाँ बनेंगी एक पूरी मार्केट, आगे आपको दिखाएंगे कि बनी हुई है। कभी शाम को का आपको विज़िट कराएंगे। तो वो सीधा कुबा को रास्ता जाता है। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखें ये दुकानें बनी हैं। ये सही अभी नए तर्ज की उन्होंने दुकानें बनानी शुरू कर दी हैं। तो ये सीधा रास्ता जाएगा कुबा को। ये इमारत है, अगर आपको ये पूरी एक आयतल कुर्सी लिखी हुई है अगर उसे पढ़ेंगे तो
الله لا إله إلا هو الحسين والحرام. ये पूरी कुर्सी लिखी हुई है इमारत की और ये सामने लाइटें भी चल रही हैं। रात का विज़िट इंशाल्लाह आप कराएंगे। बहुत ही खूबसूरत मार्केट का उन्होंने बना दी है और ये रास्ता जा रहा है। ये पीछे से एक चौक आया था, चौक पे सीधा ही जाना है। दो रास्ते जाते हैं अलहम्दुलिल्लाह। सही, जब आप यहाँ से कुबा की तरफ चलेंगे मस्जिद नबी से, तो ये लाइटें सुबह सुबह आपको साथ देंगी, आपकी रहनुमाई करेंगी कुबा की तरफ जाने के लिए। नंबर बैलेंस क्या नहीं पाकिस्तान वाला क्या नहीं पाकिस्तान। ये जी हम आ गए हैं इधर सऊदी, मार्केट ख़त्म हुई है सऊदी, तो ये आगे ये एक लॉन वगैरह बने हुए हैं, तो ये भी अभी जाके आगे जा रहे हैं हम। ये जी मस्जिद जुमा है जहाँ सबसे पहला जुमा पढ़ा गया था, इस्लाम का सबसे पहला जुमा। और ये सामने जी मस्जिद कुबा के मीनार नज़र आ रहे हैं, तो बस हम तकरीबन पहुँच ही चुके हैं और अब हम इशराक का भी टाइम हो गया, इशराक के दो नवाफिल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एक उम्र का मुकम्मल सवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 45 मिनट लगे हैं पैदल यहाँ पहुँच रहे में, तो हम सुकून सुकून से आए हैं। अगर थोड़ा सा तेज़ी से आते तो टाइम कम लगता, मगर माशाल्लाह हम पहुँच गए हैं। अब आपको मस्जिद के अंदर से भी ज़ियारत कराएंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अभी हम मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद की सबसे पहली मस्जिद कुबा। ये जी मस्जिद कुबा का फ्रंट, यहाँ पे तरक्याती काम जारी, खूबसूरत बनाने लगे हुए हैं
यहाँ पे खजूरें लगाई जा रही हैं। आइंदा चल सालों में यहाँ काफ़ी हद तक खजूरें तैयार हो जाएंगी फसल उसकी। और ये देखें यामाशुत गोवा का फ्रंट है, ये इस तरफ साफ इनके वो बनाए जा रहे हैं। ये पार्किंग एरिया, बैठने की जगह और बहुत कुछ यहाँ पर। यह भी दरख्त वगैरह लगा दिए इन्होंने साय वगैरह के लिए। तो इस वक्त सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहे हैं। ये जी सुबह का वक्त है जी, 6:30 बजे 7 बजे का टाइम है। ये है जी मस्जिद कुबा जी, मदीने की बिल्लियाँ कैसे सुकून कर रही है। ये मस्जिद जुमा जहाँ इस्लाम का पहला जुमा पढ़ा गया था, ये बंद ही रहती है ज़्यादा मुझे, या शायद नमाज के टाइम खुलती हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।